वैसे डील तो काफी अच्छी हुई है हमारी। चलो मैडम योर बिल। ये 5000 बिल, इतना ज्यादा बिल कैसे आया? मैम जो आपने खाया है उसी का बिल है ना ये। बस आधा घंटा हुआ है मुझे यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करे और तुमने इतना ज्यादा बिल लगवा दिया। तुम्हें क्या मैं शक्ल से पागल नजर आती हूँ? हाँ मैडम, ये आप क्या बोल रहे हो? जो पेमेंट बना है वही उसमें लिखा है, मैंने थोड़ी कोई अपनी तरफ से उसमें डाले हैं। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारे जैसे वेटर्स को, टिप चाहिए ना तुम्हें, हाँ इसलिए बिल बढ़वा दिया तुमने कि जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे वो तुम अपनी जेब में डाल लोगे। अरे अगर पैसे ही चाहिए तो भीख मांग लो ना, ये बिल बढ़ाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पे मेरी मीटिंग चल रही है तो मैं बिल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी? दो लोग हैं यहाँ पे और तुमने बिल तो 10 लोगों का लगा रखा है। अच्छे से हर चीज का ध्यान रखती हूँ मैं, बेवकूफ नहीं हूँ? अरे मैडम वो अंकल ने अभी कोल्ड ड्रिंक पी थी उसी के पैसे हैं। मैडम ये अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ महंगा सामान मिलता है, समझे आप? मैडम बिल तो बिल्कुल ठीक ठाक है, आप क्यों बहस कर रहे हैं? मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ और मुझे ना बिल का हिसाब है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसने ना बिल बढ़वा रखा है। अपने ना मैनेजर को बुला के लाओ, वो बताएगा तुम्हें। तुम्हारी जॉब ना खा गई ना मैं? मेरा नाम रिंकी मिश्रा नहीं, यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ और मेरे लिए ना यहाँ पे स्पेशल सर्विस होती है। मैनेजर Yes, ma'am. ये देखो ये बिल इसने कितना बढ़वा रखा है, मुझसे एक्स्ट्रा टिप मांग रहा है, कह रहा है कि अगर मैंने इसको टिप नहीं दी तो ये बिल बढ़वा देगा। और कैसे कैसे वेटर्स रख रखे तुमने यहाँ पे, बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। इसको पता नहीं है क्या कि मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ और मेरी सारी मीटिंग यहीं पे फिक्स होती है? हर्षित क्या कह रही है मैम, तुमने इनसे एक्स्ट्रा बिल मांगा हाँ और टिप मांगी, वो भी 4000 रुपए, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये हमारी रेगुलर कस्टमर है यहाँ की, एक तरीके से गेस्ट है और इतने टाइम से इनकी ना इसी रेस्टोरेंट में मीटिंग हो रही है, आज से और अभी से इस रेस्टोरेंट से तुम्हें जाना होगा, ठीक है? सर जो बिल आया था वो किस बिल मैंने इनसे बोला है? ये झूठ बोल रहा है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे दोबारा कभी आपके रेस्टोरेंट में आऊं और अपनी सारी मीटिंग्स आपके रेस्टोरेंट में रखूं तो आप इसको अभी के अभी यहां से निकाल दीजिए। यस मैम, मैम वैसे भी मैं इसे निकाल ही दूंगा, मैं भी इससे खुद परेशान हूं। मैम एक मिनट, ओए ऐसा है आज से और अभी से इस रेस्टोरेंट से तुम्हें जाना होगा, ठीक है? और जो तुम्हारी इस महीने की सैलरी है ना वो अगले महीने तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएगी। प्लीज गेट आउट। सर आप मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। You are fired. Get out. तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी गलती करी है तुमने आज। प्लीज मैम आई एम रियली सॉरी, मेरे स्टाफ ने आपके साथ जैसा बिहेव किया उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ। एंड आज का ये जो बिल है ना हमारी तरफ से आपके लिए एक ट्रीट है। थैंक यू सो मच, इट वाज सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। थैंक यू मैम, प्लीज कैरी ऑन। अरे छोटे क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? क्या बताऊं भैया, मैं गांव से शहर आया था और मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं रहकर पढ़ाई कर लूंगा और दिन में कुछ काम भी कर लूंगा जिससे मैं अपना खर्चा चला सकूं। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था लेकिन आज एक मैडम ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और बताया कि मैंने पैसे फालतू पैसे टिप में जोड़ दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, मैंने एक भी पैसा नहीं जोड़ा था। जो मेरे मैनेजर ने दिया था मैं तो बस वही बिल लेने गया था, लेकिन मैडम ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे नौकरी से निकलवा दिया। अब मैं भैया क्या करूँगा, मेरे पास तो अब रूम का भाड़ा देने के लिए भी पैसे नहीं है। चिंता मत कर, तेरे को सारा काम करना आता है ना, साफ सफाई, घर का खाना बनाना। हाँ भैया मुझे सब कुछ आता है। देख मैं और मेरी बीवी यहाँ रहते हैं अकेले और दोनों जॉब करते तो हम दोनों को बहुत दिक्कत होती है, तो हमें एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो हमारे घर की रख रखवाली भी कर सके और साथ में साफ सफाई के अंदर खाना बनाने में मदद कर सके मेरी बीवी की। तो एक काम कर तू ना, क्या नाम है, अपना रूम छोड़ दियो
और तू हमारे घर पे रह लियो, वहाँ पर ना सर्वेंट रूम भी है तो तेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, अगर आप न होते तो शायद मैं ऐसे ही सड़क पे भटकता रहता। अरे तू चिंता मत कर, देख हम चले जाएंगे ना जब ऑफिस तो तू दिन में पढ़ लिया करियो तो तेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है भैया चल आ जा, तू घर लेके चल दो। आजा हर्षित, अब यहाँ पर बैठ जा तू, ठीक है? किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है तुझे। देख ले ये है मेरा घर, यहाँ पर ना मैं और मेरी वाइफ दोनों रहते हैं। अभी वो ना काम पर गई है, बस थोड़ी देर में आने वाली होगी। वो तुझे ना सारा काम समझा देगी, तेरे को किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा काम सिर्फ इतना है, तेरे को साफ सफाई का ध्यान रखना है और खाना बनाने का ध्यान रखना है, और वो तेरी जितनी भी हेल्प हो सकेगी ना वो तेरी हेल्प करेगी, बहुत अच्छी है। और क्या नाम है, तू किसी चीज की चिंता मत करियो, ये सामने वाला रूम है ना, ये सामने वाला रूम तेरा है, तू यहीं पे रहियो, ठीक है? अपना सामान लियो जो तेरा कमरा हो। अब मैं अंदर जा रहा हूँ कुछ काम से, ठीक है? फिर मैं तेरे को क्या नाम है तेरा कमरा भी अच्छे से दिखा दूंगा। ठीक है भैया। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मेरे घर तक आ गया मेरा पीछा करते करते। अरे तेरे को शर्म नहीं आई क्या? आज रेस्टोरेंट में तू मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था और अब यहाँ मेरे घर आ गया मेरा पीछा करते करते। यहाँ पे चोरी करने आया होगा तू, क्योंकि तेरे जैसे लड़के ना चोरी होते हैं, और या फिर तेरे जैसे तो बदतमीजों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ मेरे को हिरास करने आया होगा ना, मेरे को ब्लैकमेल करेगा तू। अब रुक जा, तेरा मैं क्या हाल करूंगी, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, रुक जा। अरे नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे भैया यहाँ लेकर आए हैं, मैं कोई जानबूझकर यहाँ नहीं आया हूँ। आप भैया से पूछ सकते हैं। और हाँ मैडम, रेस्टोरेंट में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ। कौन, विनय? अरे रिंकी यार, हो मैं तुमको ना किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये लड़का है हर्षित, ये बेचारा ना आज मुझे मिला, साइड में रो रहा था बैठा हुआ जब मैं ऑफिस से आ रहा था। पता है इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उस मैडम के ना गुस्से के चलते इसको इसकी नौकरी से निकाल दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि मैडम को लग रहा था कि बिल ज्यादा आया है, लेकिन उसको इतनी सी बात तो समझनी चाहिए ना, जो बिल होता है वो मैनेजर बनाता है या ओनर बनाता है। ये वेटर बेचारे तो खाली बस कहना मैं खाना सर्व करते हैं या बिल ला के कस्टमर को दे देते हैं, इनके अंदर इनका कोई हाथ नहीं होता। लेकिन बस उस लड़के के घमंड के चलते इसको इसकी नौकरी से निकाल दिया गया। भैया आपको पता है वो मैडम यही मैम है। क्या रिंकी तुम ही वो लड़की हो? यार तुम्हारे को इतनी बात समझनी चाहिए ना, ये वेटर लोग थोड़ी बिल बनाते हैं। तुमने यार अपने गुस्से के चलते, ईगो के चलते इस बेचारे को नौकरी से निकलवा दिया। यार बहुत मुश्किल होता है किसी को नौकरी दिलवाना, और बहुत आसान होता है किसी से उसकी नौकरी छीन लेना। और सबसे बड़ी बात, किसी की नौकरी छीन लेने से ना तुम्हारा बदला पूरा नहीं हो जाता, बस तुम्हारी थोड़ी सी ईगो सेटिस्फाई होती है, लेकिन सामने वाले का पूरा घर उजड़ जाता है। और मुझे बहुत आज अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ रह रहा हूँ कि वो लड़की किसी गरीब का दर्द नहीं समझती है। मैं वो सच में बहुत तरस आ रहा है तुम्हारी सोच के ऊपर। तुमको पता है ना कि मेरी मीटिंग थी वहाँ पे और आधे घंटे का बिल 5000 आया। तुम ही सोचो, ये कुछ ज्यादा नहीं था, और मैंने गुस्से में इसको सुना दिया। मेरे को लगा कि ये अपने पैसे बनाने के चक्कर में है, क्योंकि इनको सैलरी इतनी कम मिलती है बस इस वजह से। बाकी मेरे को अपनी गलती का रियलाइज हो गया है कि बिल तो रेस्टोरेंट वालों ने ही बना करके दिया होगा, मेरी वजह से इस बेचारे की नौकरी चली गई। I'm so sorry विनय, मुझे माफ कर दो तुम। ठीक है रिंकी, अगर तुमको सच में गलती का एहसास हुआ तो ये अच्छी बात है, और यही बात कहूंगा कि कभी किसी गरीब की बददुआ मत लेना, क्योंकि एक गरीब की दुआ में जितनी ताकत होती है ना, उससे ज्यादा उसकी बददुआ में ताकत होती है। वो हमको कहीं का नहीं रहने देती। और अब तुम्हें माफी मांगनी है ना तो हर्षित से मांगो, मेरे से नहीं, क्योंकि गलत तुमने हर्षित के साथ किया। I'm so sorry, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरे को समझना चाहिए था कि तुम तो सिर्फ वहाँ पे जॉब करते हो, और मेरे से गलती हो गई, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई और तुम्हें पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, आज के बाद मैं कभी भी किसी वेटर के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। आई विल अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं मैडम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की कि अपने ईगो को इतना भी आगे ना बढ़ा लें कि आप किसी की नौकरी छीन लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी उनसे बहस करता है ना तो उसकी नौकरी छीनने के ऊपर आमादा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। और बस यही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आप लोगों की शेयरिंग है।
बाकी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।